लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? राणा दग्गुबाती का रोल फिल्म में, आखिर फिल्म का असली विलन कौन होने वाला है। नमस्कार दर्शकों, मैं करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। अब भाई हम सब 4 साल से शाहरुख खान को तो मिस कर ही रहे हैं। उन्होंने 4 साल में एक भी फिल्म नहीं करी है, लेकिन अब वो वापसी कर रहे हैं बॉलीवुड में। एक बार फिर से वो नजर आएंगे बॉलीवुड की फिल्मों में और आपको और हमें खूब एंटरटेन करेंगे। लेकिन इस बार लव के किंग खान हमें लव स्टोरीज में नहीं बल्कि गुंडे के रूप में नजर आने वाले हैं। वो हमें गुंडों की पिटाई करते हुए और लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, इसी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं साउथ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरेक्टर्स अतुल कुमार बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं शाहरुख खान के साथ, और उनकी फिल्मों का एक्शन काफी ज्यादा फेमस है साउथ में भी। अब आपको बता दें, शाहरुख खान की एक अपकमिंग फिल्म आने वाली है जवान, जिसके साथ एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल नाम जुड़ चुका है। इस फिल्म में कई सारे लोगों के होने की उम्मीद और कई सारे लोगों के होने की आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन एक बहुत पक्का नाम जुड़ चुका है जवान के साथ। वो नाम है राणा दग्गुबाती का। राणा दग्गुबाती हमें बाहुबली फिल्म में नजर आए थे भल्लाल देव के कैरेक्टर में, और उन्होंने भल्लाल देव के कैरेक्टर में पूरे इंडिया का प्यार बटोरा था। आपको बताया, वो साउथ में अपने रोल्स के लिए काफी फेमस थे ही, वहीं उन्हें बॉलीवुड में और पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में उन्हें जाना गया बाहुबली फिल्म के बाद। उन्होंने काफी अवार्ड्स भी जीते अपने इस रोल के लिए, और नेगेटिव किरदार में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपको बता दें, फिल्म में उनका नेगेटिव रोल होने वाला है, लेकिन फिल्म में उन्हें यूज किया जा सकता है एक ट्विस्टर की तरह। जी हाँ, शुरुआत से लेके एंड तक वो विलन के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन एंड में वो बन जाएंगे शाहरुख खान के हुक्म के इक्के, और वो विलन को धोखा देके आ जाएंगे शाहरुख खान की तरफ, और पूरी फिल्म की बाजी ही पलट दी जाएगी। खैर, इतना तो हमें अंदाजा ही है कि फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि फिल्म में विलन के रोल में नजर आ सकते हैं विजय सेतुपति। विजय सेतुपति हाल ही में मास्टर फिल्म में नजर आए थे विजय थालापति के ऑपोजिट, और अब उन्हें देखा जाएगा जवान फिल्म में। उनकी एक्टिंग काफी अच्छी और ऑडियंस को वो काफी इम्प्रेस भी कर देते हैं। खैर, आपको क्या लगता है जवान फिल्म के बारे में, कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।